अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये पूना से नेपाल के रहने वाले तकरीबन 100 के आसपास महिला पुरुष हैं। ये लोग पूना में रह के काम करते थे, तो आज त्योहारों को आगे त्योहार को देखते हुए वापस लौट रहे थे यूपी, और वहाँ से इनका वापस नेपाल जाने का प्लान था। और आज मक्सी बाईपास चौराहे पे सुबह तकरीबन 5:15 के आसपास जो बस थी, बस का टायर फट गया और उससे बस में आग लग गई। कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी लोगों को सुरक्षित बस से उतार लिया गया है। अभी दूसरी गाड़ी की जब तक व्यवस्था हो रही है, तब तक के लिए अस्थायी तौर पर इनके रहने के लिए और खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। सर, यहाँ पे देखा गया था कि जिस समय आग लगी थी उस समय इमरजेंसी गेट तोड़ के भी लोग निकले थे, पुलिस द्वारा भी लोगों को निकाला गया यहाँ पे, और लगातार अभी भी रेस्ट चल रहा है। हाँ, क्योंकि 5:15 की घटना है, उस समय हमारा जो बस का स्टाफ था वो थाने का स्टाफ और हाईवे का स्टाफ मौके पर ही था, तो उनने लोगों को जल्दी मदद करके जो भी रास्ते थे एग्जिट रास्ते उनसे उनको जल्दी निकाला, क्योंकि उसके बाद फिर बस में आग बड़ी तेज़ी से फैल गई। कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ सामान जरूर इन लोगों का जला है, इसके लिए भी हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं। अभी प्राथमिकता इन लोगों को छुपाने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की, उसको देख रहे हैं। कैसे क्या लगी थी आग और क्या एकदम हादसा हुआ उसमें? अब हादसा तो ऐसा है, गाड़ी तो पूना से आ रहा है बौधन से, ये डायरेक्ट नेपाल के लिए, यानी कि गौरी फेंडा पलिया के लिए डायरेक्ट, सब अपना मजदूर करके आए, कोई झाड़ू कचरा पौधा ऐसा करके त्यौहार के लिए निकल रही, सब नया साल भी आ रहा है और रामनवमी भी आ रही है। अब गाड़ी में आग तो ऐसा है, गाड़ी फास्ट भी नहीं चली है,
गाड़ी रात को रुकी थी दो तीन घंटा, दो ही घंटे चलने के बाद गाड़ी में आग लग गई है। गाड़ी में क्या कंडीशन खराब था ये हमको मालूम नहीं हुआ। बस में कितने यात्री सवार थे? कमती में हो गए 120-125 जितना, लेडीज और जेंट्स बच्चे। अच्छा, बस में एकदम आग लगी थी तो फिर यात्रियों ने क्या करा, इमरजेंसी गेट तोड़ा क्या करा? इमरजेंसी किसी ने खिड़की तोड़ के आया, किसी कोई उधर से ही आए। अच्छा, इमरजेंसी खिड़की तोड़ के कोई ऐसा 5 बजे पता पड़ा कि आग लगी, 5:30 बजे ऐसा निकले आग लगी है गाड़ी। अच्छा, आप बता रहे कि त्योहार मनाने जा रहे थे, किस तरह का त्योहार मनाने जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? नेपाल, साउथ नेपाल का है। क्या नेपाल में क्या त्योहार बन रहा है? रामनवमी भी है। अच्छा, रामनवमी तो सबको मालूम है। और नया साल, नया साल का मनाया जाता नेपाल में? नया साल अभी 2-3 दिन के बाद है, संक्रांति आ रहा है ना, इसको नया साल मानते हैं। कितना किराया वसूला जा रहा था आपसे इस बस का? एक आदमी से 3,000। 3,000 वसूला? बच्चों के? बच्चों के, छोटे बच्चों के, 5-6 साल के बच्चों के किराया नहीं है, 8-9 साल के बच्चे के वही है 3,000। आपका नाम? मेरा नाम निर्मल विश्वकर्मा। अच्छा, सभी नेपाल के, अधिकतर नेपाल के हैं या बस में सवार यात्री? सभी 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 नेपाल के, कोई भी इंडियन लोग नहीं है। पलिया जा रहे थे ना? हाँ, पलिया नेपाल बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर में जा रहे थे पलिया। आपका नाम बता दीजिए एक बार। निर्मल विश्वकर्मा। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अपने वो पहाड़ में जा रहे थे, आग लग गाँव में। हाँ, लेकिन आग लगी 4:30 बजे आग लगी, 5 बजे हमको पता पड़ा कि इसमें आग लगी हुई। किसी ने कुछ नहीं बताया, खिड़की तोड़ के आना पड़ा। लास्ट सीट था हमारा क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते थे, खिड़की तोड़नी पड़ी और वहाँ से थोड़ा पैर में भी मोच आ गया। पैसा वैसा सब कुछ उसमें था, सब कुछ जल गया। अभी जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी वो कह रहे कि बस मंगाएंगे, लेकिन बस मंगाएंगे हम आगे कहाँ से जाएंगे? हमारे पास पैसा नहीं, हम हमारे गाँव कैसे जाएंगे? आपका कितना नुकसान हो गया अभी? मेरा, मैंने आधार कार्ड लिया होता नेपाल का बनाने के लिए, मेरे मम्मी और डैड का, उनका भी जला और मेरा तो अब बनेगा भी नहीं और उनका भी अब जल गया। अब मैं मेरा आधार कार्ड बनाने के लिए गया था, वो भी कैसे बनेगा? और तो और पाँव में ऐसी चोट आई है, ना चप्पल है अभी पहनने के लिए ना कुछ है। कितने यात्री सवार थे बस में? बस में 120-130 के आसपास थे हमारे गाँव से। अच्छा, नेपाल क्यों जा रहे थे? क्या नेपाल हमारा फेस्टिवल आ रहा है? क्या फेस्टिवल आपका? हमारा ये माँ काली का त्यौहार आता है, जो पूजना पड़ता है, जिन्होंने मतलब ऐसा मान रखा होता है कि जिस दिन करेंगे तो उनको जाना पड़ता है, इसलिए सवारी जाते हैं। इसकी वजह से अभी जा रहे हैं। और कुछ लोग क्या, अभी न्यू ईयर भी है ना वहाँ का, जिसकी वजह से अभी लोग जा रहे हैं। कब बनाया जाता है न्यू ईयर वहाँ? अभी 1-2 दिन में भी आने वाला है, अभी हुआ नहीं है वहाँ का। 2000 अभी 80 चल रहा है, अभी 81 चलेगा। कितने यात्री सवार थे नेपाल के बस में? नेपाल 100 से ऊपर ही थे, 120-130 के करीब थे। बस कहाँ से कहाँ चली थी? बस ये अपने पूना से ही थी, ये बस पूना से थी, पूना से रोज ही निकलती है अपनी बस। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, एक ड्राइवर भी, एक तो 80 साल का था ड्राइवर, और ड्राइवर को भी 3 बार सुलाया था वहाँ पे हम रास्ते में, ताकि वो तो आराम से चला सके, हम उसको सेफ्टी ले सके। लेकिन वो ड्राइवर ही पिला दे ड्राइवर को, ड्राइवर को तो पिलाना चाहिए। दारू शराब में था ड्राइवर क्या? उसे भी पिला रखा था ड्राइवर को, शराब में पी थी उसने। हाँ, शराब पी थी उसने, उसने पता नहीं अब उसने पी थी या नहीं पी थी। आधे लोग कह रहे थे उसने पी थी और कोई लोग कह रहे थे उसने नहीं पिए, बाकी सब ने पिए। अब उसको 3 घंटा में वहाँ पे आधे रास्ते में होटल में सुलाया, फिर वहाँ से हमने कहा आराम से ले जाने का, और फिर 2 घंटे बाद देखा तो इधर 5 बजे सब यहाँ पे 3 बजे से आते हैं वहाँ से। मेरा नाम है सुरेंद्र रावत। कहाँ से बैठे थे? मैं पुणे से बैठा था। कहाँ जा रही थी ये बस? हम ये पुणे से आए, हम नेपाल जाना चाहते हैं। कहाँ की घटना है ये? ये गांव कौन सा है कोई मालूम? आप कहाँ से आए? सभी एक ही बस है कि क्या है? हाँ, एक ही बस पुणे से आए। मतलब बस करके आए क्या आप लोग कि अलग अलग आए? सब इसी बस में आए, सब एक ही बस में। आग लगने का कारण क्या है? ये टायर फूट गए तो आग लग गए। आपका नाम? उनका नाम ओ देवू। भी जला है, आप क्या करते हैं? मैं पुणे में थे, मैं पुणे ऑफिस में काम करता था, डिजिटल इलेक्ट्रो सिस्टम में परचेस का देखता था उधर। परचेस मतलब जैसे कि परचेस बोले तो मतलब हर मतलब विभिन्न क्या बोलते हैं मतलब अलग अलग जगह से मतलब जितने भी मटेरियल आता था उसका कलेक्शन भी मैं करता था इधर। मतलब बहुत सारे मतलब इसके डॉक्यूमेंट्स मतलब पैसे का सबका कलेक्शन था इधर। अभी जल गया तो अब क्या करेंगे? अभी क्या कर सकते? आप कहाँ जा रहे थे? इधर से नेपाल जा रहा था, अभी छुट्टी हो गई। मतलब पूना से नेपाल जा रहे हैं? नेपाल पूना से। पूना से। आपका नाम? मेरा नाम कमल ओड़े। तो ये कहाँ से आ रही थी बस और कहाँ जा रही थी? ये पुणे से आ रहा था, नेपाल जा रहा था ये। तो आग कैसे लग गई बस में? ये टायर से लग गए। ऐसा टायर लगने से? क्या क्या सामान जला है?
ये कपड़ा, ये बर्तन सब, ये पैसा, सोना, ये सब था। कहाँ हुई ये घटना? ये घटना तो इधर नाम मालूम नहीं आता। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम तो महेश भंडारी। ठीक है।